नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के कुलवाई में दहाड़े कांग्रेस नेता, किसान कानून के विरोध में कांग्रेस की विशाल ट्रैक्टर रैली एवं धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुलवाई द्वारा किसान कानून के विरोध में विशाल ट्रैक्टर रैली एवं धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं आसपास के किसान बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कांग्रेस नेताओं ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को किसान विरोधी और उद्योगपतियों की हितैषी सरकार बताया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार एवं प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद सभी कांग्रेस नेता एवं किसान एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम तहसीलदार हेमंत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से चर्चा करते हुए विदिशा विधायक शशांक भार्गव ने बताया कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों को सौंपने के लिए जो काला कानून लागू किया है, उस काले कानून के विरोध में आज किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ विशाल ट्रैक्टर रैली निकाल राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंप इस कानून को वापस लेने की मांग की है। वहीं पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने कहा, केंद्र सरकार जब तक यह काला कानून वापस नहीं ले लेती तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती रहेगी। विदिशा कुरवाई से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग कुरवाई जिला विदिशा, केंद्र सरकार द्वारा लागू तत्काल वापस लेने के संबंध में तहसील में जो जंगी प्रदर्शन किसानों का ट्रैक्टरों के साथ हुआ है वो अपने आप में अद्भुत है। और वो भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो तीन किसान विरोधी काले कानून बनाए हैं उसके खिलाफ ये जंगी प्रदर्शन था और कांग्रेस के आह्वान पर किसानों ने ये प्रदर्शन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस का हाथ किसान के साथ, ये आंदोलन किसान का है और कांग्रेस का पूरा साथ पूरे देश में किसानों के साथ रहेगा। कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हक की आवाज़ को बुलंद किया है, चाहे प्रदेश में बात हो चाहे देश की संसद की बात हो। आज दिल्ली सरकार द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को पूंजीपतियों को सौंपने के लिए लाए काले कानून के खिलाफ आज कार्रवाई में कांग्रेस जनों ने और हमारे पूरे किसान भाइयों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो बिल लागू किए हैं उन्हें तुरंत वापस लिया जाए वरना मोदी जी की ईंट से ईंट हम बजा देंगे। अगर कानून वापस नहीं होते तो अगला कदम कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या होगा? अगला कदम आंदोलन है, आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि रंगा बिल्ला की सरकार है और रंगा बिल्ला आप जानते हो किस नेचर के लोग थे, रंगा बिल्ला ने क्या किया इसके बारे में हिंदुस्तान जानता है, इसलिए आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आगाह किया था काला कानून तुमने पास किया है संसद में उसे वापस ले लो, लेकिन उस व्यक्ति को इस फसील ले गए। अब उन्होंने मामला कोर्ट में डाल दिया, कोर्ट ने ये कहा कि आप इसको स्थगित करेंगे या हमें स्थगित करने का आदेश देना पड़ेगा, लेकिन बाद में उन्होंने कोर्ट से भी अनुमति करके एक ऐसे चार लोगों की कमेटी कर बनवा दी जो शुरू से इस कानून का समर्थन कर दिया। इसलिए हमारे किसान नेताओं ने कह दिया कि हम कमेटी के पास में जाएंगे, हमारा हाथ में रास्ता आंदोलन होगा, 48 दिन नहीं अगर 48 माह भी हमको इस तरह को लेकर जाना पड़े तो हम जाए उनके जैसे को मैं सलाम करता हूँ साथियों। और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि 23 तारीख को भोपाल में जब आंदोलन माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व हो तो आपकी प्रत्येक घर से एक एक किसान भोपाल पहुंचे जिससे कि हम उन बेचारे 48 दिनों से बचा। Yeah.
कार्यकर्ताओं की मेहनत से किसानों के साथ के सफल रहा, और हम जो मैसेज देना चाहते हैं, जो संदेश देना चाहते हैं सरकार को, उसमें हम सफल रहे। भ्रम है, एक्चुअल मध्य प्रदेश का किसान भोला है, और हम लोग यही कांग्रेस की हमारी कोशिश है कि किसान को इस कानूनों की असलियत हम बताएं, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में आ रही है। और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान का किसान इस बात को समझ रहा है, और ये देखिए ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप में भूमिका में, और विपक्ष का ये कर्तव्य है कि अगर सरकार अड़ियल रवैया अपनाती और कोई ऐसा कानून, पहले भी भू अर्जन कानून जो था, भूमि अधिग्रहण कानून का कांग्रेस ने विरोध किया था, सरकार को वापस लेना पड़ा था। ऐसे इन तीन जो काले कानून हैं, हम लोग संघर्ष करेंगे और किसान को हम समझाएंगे इस चीज़ को, और जब किसान जागरूक हो जाएगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये काले कानून कौन से हैं? देखिए तीनों कानून, अब मैं समझता हूँ कि काले कानूनों के विरोध में आप सबके साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। एमएसपी जो समर्थन मूल्य है, इसका इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने एल के ओझा जी के अध्यक्ष में एक समिति बनाकर इसकी शुरुआत की थी। इस समिति के जो सुझाव उन्होंने दिए, ये 1966-67 में लागू हुए। सबसे पहले एमएसपी लागू हुई गेहूं की खरीद पर, सबसे पहले गेहूं की खरीद पर एमएसपी लागू की गई लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में 1966-67 में। इसके बाद इसमें 19 फसलें और जोड़ी गई, इस प्रकार 20 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार फिर इसके लिए कृषि मूल्य निर्धारण आयोग बनाया गया, जो पूरे हिंदुस्तान में जो भी लागत कृषि पे आ रही है उसके हिसाब से एमएसपी आने की समर्थन मूल्य को लागू किया जाता था। इस प्रकार ये शुरुआत कांग्रेस के ही समय में हुई थी। आज जो ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ये पहले क्यों नहीं किया, तो आपको हम ये बता दें कि 1966-67 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएसपी की शुरुआत की थी। जो भी और यहाँ ज्ञाता है उन्हें भी ये जानकारी दे दें। और जिस तरीके से कोरोना की के बाद की आर्थिक मंदी की घोषणा संसद के अंदर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने की थी, वो मार्च में भी उन्होंने ये आने वाले काले कानूनों की घोषणा मार्च के अंदर कर दी थी। क्या उन्होंने संसद में कहा था कि भविष्य में आप किसानों को भूमिहीन करने के लिए भी कोई काला कानून लाएंगे, और वो ले आए। आप ये बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंबानी अडानी जी की गेहूं की गोदामें बन चुकी हैं। माल नाज भंडारण के लिए ये 2 साल पहले ये कानून तैयार हो चुके थे, तभी तो ये 2000 रुपए महीने का सबूत महंगा मोदी जी ने 2000 रुपए हम 2-3 महीने में दे देते हैं किसानों को लुभाने के लिए। लेकिन समझदार है किसान, बेवकूफ नहीं है, वो अपनी मातृभूमि की अपनी जमीन की कीमत जानता है। वो 2000 रुपए में बिकने वाला नहीं है। आज इसीलिए करोड़ों लोग डले हैं वहां पे दिल्ली के बॉर्डर पे। मोदी जी, ये 2000 रुपए में हम आपके साथ में खड़े होने वाले नहीं है, बन गए बेवकूफ बनने वाले, हम लोग नहीं बनेंगे। हम अभी मैंने बीच में राजनाथ सिंह जी का एक अभी वीडियो चला था फेसबुक पे, तमाम माध्यम से वे ये कह रहे थे जहां भी कृषि में किसान आंदोलन करेंगे वहां हम खड़े होंगे। अरे जब आप खड़े हो सकते हो तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम भी इस देश के वासी हैं, हम भी किसान हैं, हम क्यों खड़े नहीं हो सकते? कांग्रेस के बाहर से आई है, आज तुम्हारे खिलाफ में कोई बोल दो तो हम लोग आतंकवादी हो गए। खालिस्तान भी बोल लिया, पाकिस्तानी भी बोल लिया, सब नारे तुमने लगवा लाए। तुमने वो बुड्ढे अन्ना के संग बैठ के एक महीना ऊधम दिया, तब कांग्रेस में नहीं कहा कि भाजपा का प्रोपेगेंडा है। आज वो अन्ना कहाँ है? जेट ब्लैक सुरक्षा में लेटा हुआ है, उसके दो चमचे छर रहे हैं केजरीवाल, वो बन गया नेता। ये कांग्रेस को केवल अस्थिर करने की राजनीति थी। हमारे प्रधानमंत्री को कहते थे रेनकोट ओढ़कर नहा रहे हो, अरे तुम तो समुद्र में डूबे हो पूरे, हैं? वो बोलता नहीं था ना, वो बोल के नहीं जानता, अरे तुम बंद नहीं हो रहे, हम लोग तो उकता रहे, तुम चालू आज वो आज तक बंद नहीं हो रहा है, ऐसी तैसी करे दे रहा पूरी देश की शुद्ध भाषा जे है, इसे कहते बुंदेलखंडी। सीधी बात जाए भैया, घर से निकलो, हम लोग आपके साथ में हैं,
हर तरीके से हमारे पूरे नेतागण सब समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके साथ में लड़ने तैयार है, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ भी कहे कांग्रेस आपके साथ में है। और मेरे विचार ये हैं, हमारे नेता लोग बैठे ऊपर तक भी चर्चा करेंगे, हम खुल के मैदान में आए और इस आंदोलन को और तेज करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।